हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे बुलेट यानी कि बंदूक की गोली किस आधार पर काम करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अभी तक आपने AU फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पूरी आकृति ही बुलेट होती है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोली की पूरी आकृति बुलेट नहीं होती है। असल में गोली के आगे के हिस्सा ठोस धातु का होता है जो बुलेट कहलाता है, और बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है। हालांकि आम भाषा में इसे बुलेट केस नहीं बोलकर बुलेट ही बोलते हैं। वैसे दोस्तों, बुलेट केस को आम भाषा में खोखा भी बोला जाता है, क्योंकि इसी में गन पाउडर भरा होता है। और इस गोली के बिल्कुल पीछे की भाग में एक पिन पॉइंट होता है जिस पर प्रहार किया जाता है, और इस पिन को इंग्लिश में प्राइमर कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि इसकी बनावट कैसी होती है, लेकिन अब देखते हैं गोली काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो ये बुलेट एक छोटी मिसाइल या रॉकेट की तरह होता है। जिस तरह कोई रॉकेट या मिसाइल की आगे का हिस्सा ही सिर्फ काम की होती है, और बाकी का हिस्सा ईंधन ले जाने और मिसाइल को गति प्रदान करने के लिए होता है, ठीक इसी प्रकार से बुलेट यानी कि गोली में भी होता है। क्योंकि बुलेट केस में एक खास तरह की विस्फोटक भरा होता है जिसे हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं। इसी वजह से बंदूक से गोली चलाई जाती है। बुलेट केस के पीछे की तरफ पिन पॉइंट यानी कि प्राइमर पर एक जबरदस्त प्रहार होता है, और फिर पिन पॉइंट पर पड़े इस दबाव से अंदर में लगे स्प्रिंग में चिंगारी उत्पन्न होती है, और इसी चिंगारी से गन पाउडर में एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट होता है, और इस जोरदार विस्फोट के कारण बुलेट की आगे की तरफ जोरदार धक्का लगता है, और गन पाउडर के विस्फोट के कारण उत्पन्न जबरदस्त ऊर्जा बुलेट को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने की धक्का देता है। ऐसी स्थिति होने पर बुलेट घूमते हुए काफी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ती है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहले बुलेट को छोटी मिसाइल या रॉकेट की तरह क्यों बोला, क्योंकि जिस तरह से रॉकेट को पीछे की तरफ से फायर करके उड़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बुलेट में भी पिन पॉइंट यानी कि प्राइमर पर दबाव डालकर स्प्रिंग में चिंगारी उत्पन्न किया जाता है, और इस प्रकार से उत्पन्न चिंगारी की वजह से गन पाउडर में एक जोरदार धमाका होता है, और इस जोरदार धमाके की वजह से और बुलेट को आगे बढ़ाने के लिए एक जोरदार प्रेशर बनता है, और इसी प्रेशर की वजह से बुलेट काफ़ी तेजी के साथ निकलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।